और आप सभी के लिए और इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है कि ये संस्था 77 से स्टार्ट हुई और अब इतनी ऊंचाइयों पर आ गई है। और यहाँ से जो आपको शिक्षा मिले उसको लेकर जब आप बाहर जाएंगे अपने कार्यस्थल पर, जो भी आपको आपकी रुचि के अनुसार जो भी आपको कार्य आप करेंगे उसमें इस संस्था का गौरव आप बढ़ाएंगे। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई क्रिश्चियन है। जो आप पानी पीते हैं हिंदुओं में सारे धार्मिक संस्कारों में ओम केशवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा से पानी पीकर के शुरुआत की जाती है। मुसलमान लोग हज को जाते हैं और हमारे लतीफा मैडम और जितने लोग हज करके आते हैं मेरे जो करीबी लोग हैं सब मुझे आबे जमजम भी ला करके देते हैं और मैं उसको अपना करीब रखता हूँ। क्रिश्चियंस की अब बैप्टिज्म सेरेमनी होती है तो वो लोग पानी छिड़क करके बच्चे के शुद्धिकरण करते हैं। क्या पानी ने कभी ये कहा है कि मैं किसी हिंदू के घर जाऊंगा, किसी मुसलमान के घर जाऊंगा, किसी ईसाई के घर? ये हम लोगों के दिमाग खराब होने लगे हैं सोशल मीडिया पे अनाप शनाप जो पोस्ट आती है उनको पढ़ करके। साहब बच्चों के दिलों में डिविजन मत करिए, उनके दिलों को बांटिए मत। क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ नहीं रखा साहब, सब एक ही ऊपर वाले को ढूंढने जाते हैं, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना सबको एक है। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन और इसके माध्यम से आपके सामने आने वाली है, एक बिल्कुल हाईटेक प्रेजेंटेशन है, इसके लाइट साउंड इफेक्ट्स सब कुछ है। आप बस इसको एक टक देखते रहिएगा और जो बच्चों ने एफर्ट किया है ये भूल करके कि पानी कभी किसी पे कोई भेद करता है, इसी तरह इस देश की इस दुनिया की हवा कोई भेद नहीं करती है, इस देश और इस दुनिया का रुपया कोई भेद नहीं करता है, कहीं कोई भेद नहीं करता है। इसको देखिएगा और जो संदेश आप अपने घर ले जाएंगे उसको कभी ना कभी अमल में जरूर लाइएगा। मानव रखना याद तू जल जीवन का मूल, बूंद बूंद संभालना रखना यही उसूल। पहचाना मुझे, मैं पिता नहीं पर पोषक हूं, इसीलिए आप हजरात मुझे चचा भी कह सकते हैं। ताल चचा मेरी पहचान है पानी। इस पानी के भीतर भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन है, एक ऐसी दुनिया जिसमें धड़कन है। Fishes are the most fascinating and beautiful creatures of the water world because of their colorful patterns and beautiful fins. Wide blue ocean is their kingdom. Our 70% earth is their home. They swim, they dance from oceans to oceans in joyful waves motions. They are the queens of the oceans. मेरे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे बादल आ रहे हैं, लगता है पानी बरसने वाला है। अरे वाह पानी दादा, कहाँ रहते हो, बड़े दिनों बाद। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, अपने यह जो सूरज दादा है ना, उनकी किरणों से भाप बनकर आसमान की सैर पर उड़ जाता हूँ। Water is made up of billions of molecules. Each molecule is made up of one oxygen and two hydrogen atoms, held together by a strong covalent bond. Water is found in different forms on Earth: solid, liquid,
and gas. The solid form of water is ice. The liquid form is present in the rivers, lakes, seas, oceans, and even the taps in our homes. The gaseous form of water is water vapor. Save the flow, H2O. In its liquid form, water's called water. Yes, in its liquid form, water's called water. Each living thing depends upon water. Water, water, we all need water. H2O, 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 whoa, 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 whoa. अरे दादी मछली, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? क्या करें? जीवन भर जल की रानी रहे और अब पानी ही जान का दुश्मन बन गया है। मनुष्य के छोड़े रंग और रसायन ने तुम्हारे पानी की तासीर ऐसी तबाह कर दी है कि अब सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। दादी मछली, क्या मनुष्य सदा ऐसा था? नहीं नहीं, पहले जल देवता थे। कुएं, तालाब, नदी और समुद्र पूजे जाते थे। पता है, जब अमरता के लिए अमृत की तलाश हुई, तब देवों और दानवों ने समुद्र ही मथा था। The Samudra Manthan explains the origin of Amrit, the nectar of immortality, which shows the purity of water. Samudra Manthan ki katha kuch is prakar hai. Isi prakar samudra ka manthan hua. मंदरा चल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा लेकर छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा हुआ सागर मंथन सागर मंथन। ओ गॉड, वो भी क्या दौर था जब लोग हमें बनाते और संवारते थे। डरी जलपरी तो पहले ही जा चुकी है दूर। दादी मछली, आपने तो देखी होंगी वो हूर। हाँ हाँ, आकाश में परी और पानी में जल परी, इन्हीं से तो था पहले जल थल और नभ का नाता। Mermaids are known as the angels of the sea. They are fascinating, legendary beings whose bodies are configured as half woman, half fish. दादी मछली, फिर क्या हुआ? कहां लोप हो गया यह परिलोक? फिर क्या, थल पर मानव ने शुरू की जब अपनी मनमानी। धुआं धुआं आकाश हुआ, जहर हो गया पानी। ये सब काम हो रहा है विकास के नाम पर। पता है कि विकास की ओर बढ़ रहे देशों में तो उद्योगों से निकलने वाला 70% कचरा जीवन देने वाले पानी में ही बहा दिया जाता है। और पता है, ये कचरा पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को ही नहीं, इन पर आश्रित सभी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। We live in polluted cities and still we destroy forests for our needs. We effortlessly throw garbage in seas and oceans. We kill poor animals without any shame. We are humans in the face of devil. We are devils in the face of humans. Dar jo utega dhad se katega kahan pe chipega kahan pe bachega baat main hai khaat maut ki pichhe bhi saath utha to girega gira to chirega chheva to milega mila to marega। क्षेत्र में मनुष्य का आक्रमण जारी है। बस करो, अब कोई नहीं जीतेगा, हम सब हार जाएंगे। हे भगवान, प्रभु तेरा ही सहारा, प्रभु प्रार्थना सुन हमारी। दादी मछली, दादी मछली, क्या हो रहा है आपको? Beautiful oceans, beautiful forests, adorable animals,
we admire God's beautiful creation at its best. Suddenly, everything is dull. Adorable animals are now just left with skull. Clear water is not there anymore. Only thing that is visible is plastic waste now. Your world is now wrapped in plastic. सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले, अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। त्राही माम प्रभु त्राही माम, धरती पर मानव के कैसे बचाओ प्रभु, हमारी दादी मछली भी हमें छोड़कर चली गई। मानव की मूर्खता का हमें पहले से ही भान था, इसलिए धरती के 3/4 हिस्से में जल भरने के बाद भी सभी चराचर जगत के जीवों के लिए कुल उपलब्ध पानी का मात्र 1% ही उपयोग के लिए दिया है। प्रभु, आपकी दूरदृष्टि को तो बारंबार प्रणाम है, लेकिन अभी जो संकट थल के साथ जल के प्राणी भोग रहे हैं, उसका निवारण तो करो प्रभु। मांगने से कुछ नहीं मिलता, प्रत्येक जीव को उठना होगा, अपनी आवाज मानव तक पहुंचानी होगी। वक्त आ गया है, उठो, जागो और जूझो। They lose their lives due to plastics we shamelessly throw. It is just because of us that they are unable to grow. Who in the world can hear their plight? Who is here to fight for their right? कि मानव जाति के प्रत्येक धर्म में पानी का महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में जल पंच महाभूतों में से एक है। नदियों का जल सबसे पवित्र माना गया है। प्रकृति के अनगिनत चमत्कारों में से एक है आबे जमजम। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि सऊदी अरब के शहर मक्का के कुएं से निकला पानी उनके घर में हो। सिख धर्म में पानी अमृत है। स्वर्ण मंदिर के विशाल जलाशय को अमृत सरोवर और अमृत झील कहते हैं। हमारे धर्म में अमृत पान करना अनिवार्य है, हम इसे अमृत चखना कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म के दौरान पानी ही छिड़का जाता है, यह हमारे धर्म में बच्चे का जल संस्कार कहा जाता है। देखा आपने, हर धर्म में पानी की पवित्रता का तो प्रावधान किया गया, लेकिन शुद्धता का कोई ध्यान नहीं रखा। फ्रेंड्स, life on earth is possible only because of water. Water is the most essential source of life on earth. Yet water pollution is one of the most serious ecological threats we face today. Don't pollute water. It will put you on bed. So friends, don't waste even a drop of water. Otherwise, you'll be finished for a drop of water. जल ही जीवन, जल असली धन, जल जीने का सहारा। तू ही कल में, तू ही अब में, तू ही कल है हमारा। जल ही जीवन, जल असली धन, जल जीने का सहारा। तू ही कल में, तू ही अब में, तू ही कल है हमारा। कुदरत ने दिया है हमको बेशकीमती तोहफा। अभी भी वक्त है, आइए संभल जाइए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए भी कोसेंगी कि हमारे पूर्वज साफ पानी से गाड़ियां धोते थे। अपने पानी और परिवेश को बचाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर चलें। जल है असली सोना, इसे नहीं है खोना। सेव वाटर, सेव एनर्जी, गो ग्रीन।